झालावाड़ जिले के चौमहला के वरावली रोड पर आज एक युवक पर फायरिंग कर आरोपी फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार बंटी मेहर, पिता मांगेलाल मेहर और जीतू राठौर वरावली रोड पर किसी विषय पर बैठकर चर्चा कर रहे थे। बातों ही बातों में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर जितेंद्र राठौर उर्फ जीतू राठौर बंटी मेहर पर फायरिंग कर फरार हुआ। बंटी राठौर घायल अवस्था में वरावली रोड पर लड़खड़ाता हुआ आया और गिर गया, जिसको परिजन स्वास्थ्य केंद्र चौमहला लेकर आए, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक ब्रजमोहन मीणा, थाना प्रभारी मैजापते केसीएचसी पहुंचे, जहां नाकाबंदी कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस ने मात्र एक घंटे में आरोपी को डिटेन कर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार बंटी का भी आपराधिक रिकॉर्ड है। नवभारत समाचार झालावाड़ से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। शाम को दोपहर बाद में एक व्यक्ति ने सूचना दी थी मेरे को फोन पे कि इस तरह से एक आदमी पड़ा है लघुवान स्थिति में। तुरंत मौके पे SHO को भेजा, मैं भी आया तो घटनाक्रम में ये पाया गया प्रथम दृष्टया कि ये जो आरोपी जीतू राठौर और बंटी जिसके गोली लगी, ये दोनों आपस में बैठ के एक जगह शराब पी रहे थे। इनमें आपस में उसी टाइम पर घास हुई हो गई और बंटी ने इसको थप्पड़ मारा था। थप्पड़ मारने के उपरांत क्योंकि इसके पास पिस्टल थी और इसने उसको गोली मारी। पुराना कोई विवाद था इन दोनों के बीच? अभी अभी पुराना विवाद कोई निकल के नहीं आया, लेकिन ये इसका बंटी का भी आपराधिक रिकॉर्ड है और दोनों ही।